गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर्स में हमने कंसेप्ट ऑफ जीडीपी देखा था, नेशनल इनकम देखा था, इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मेथड्स देखे थे इनके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, मनी। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंसेप्ट ऑफ मनी समझ आया तो आपको सप्लाई ऑफ मनी समझ आएगा, सप्लाई ऑफ मनी समझ आएगा तो आपको रेगुलेशन ऑफ मनी समझ आएगा, और रेगुलेशन ऑफ मनी समझ आएगा तो आपको वो रेपो रेट एक्सेट्रा बैंक रेट वो सारी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखेंगे मीनिंग क्या है मनी का, इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसका, फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, क्रेडिट मनी क्या है, फुल बॉडीड मनी क्या है, फिड्यूसरी मनी क्या है, ठीक है, फिएट मनी क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। सप्लाई ऑफ मनी देखेंगे, कौन सप्लाई करता है, कैसे सप्लाई करता है, ठीक है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले क्या होता था, वीट किसी ने ग्रो किया, ठीक है, उसको क्लॉथ्स चाहिए, ठीक है, तो ये इसको वीट देता था और इससे क्लॉथ्स लेता था। बेसिकली क्या होता था, कॉमोडिटी से कॉमोडिटी का एक्सचेंज होता था, गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज होता था। तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट थी कि इसको क्लॉथ्स की डिमांड होनी चाहिए और इसको वीट की डिमांड होनी चाहिए। तो बेसिकली कॉइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स जो था वो नेसेसरी था। अब ये हर बार तो होगा नहीं, हर बार नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंजेस जो होंगे ना, एक्सचेंजेस बेसिकली ट्रांजेक्शंस रिड्यूस हो जाएंगे, रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और जब रेस्ट्रिक्ट होंगे तो ग्रोथ क्या होगी, ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम था इसको हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। तो इन्होंने देर वॉज अ नीड विच वॉज फेल्ट कि हमें एक कुछ कॉमन करेंसी कुछ रखना चाहिए जिसके टर्म्स में हम ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं और उनको एक्सचेंज कर सकते हैं, तो आई मनी। ठीक है, तो मनी की ये ही सिग्निफिकेंस हो गई कि तुम्हारे एक्सचेंजेस बढ़ाएंगे, आपकी वैल्यू फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हो, उसमें स्टॉक कर सकते हो आप, ठीक है, स्टोर कर सकते हो। तो इस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, सीसी मैंने बता दिया है। अब इसकी बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी देख लेते हैं। मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद में एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ये मैंने आपको बता दिया। मनी इज अ मेजर ऑफ वैल्यू, गुड्स है, सर्विस है, आप उसको मेजर कर सकते हो कि ये 10 रुपये की है, ये 20 रुपये की है, ठीक है। अर्लियर तो विम्स एंड फैंसीज पे चलता था, जिसको जो डिमांड होती थी उसके हिसाब से उसकी वैल्यू डिसाइड होती थी, तो एक करेक्ट फिगर पे आना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट्स साइंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, सो मनी एक्ट एज अ इंस्ट्रूमेंट, जो डिफर्ड पेमेंट्स है, जो फ्यूचर में आपको पेमेंट करनी है, तो वो भी आप मनी के टर्म्स में कर सकते हो। ठीक है, ये था बेसिक। अब क्या हुआ, फॉर्म्स ऑफ मनी आता है। फॉर्म्स ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या है, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, टाइप वन, ठीक है, ये है ट्रस्ट बेस्ड, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये टाइप टू, इसका जो डिफरेंशिएशन है टाइप टू का वो है बेस्ड ऑन कॉमोडिटी वैल्यू। ठीक है, अब क्या होता है ना, इसको फर्दर, ट्रस्ट वाली को फर्दर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। एक जो गवर्नमेंट के ट्रस्ट से है, मतलब गवर्नमेंट ने उसको इश्यू किया है तो उसकी वैल्यू है, द मनी विच वॉज इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, उसको हम बोलते हैं फिएट मनी। ठीक है, इट्स इश्यूड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो है सेकंड, ये दो लोगों के प्राइवेट ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जैसे चेक है, मेरे को किसी ने 1000 रुपये का चेक दिया, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि उसके अकाउंट में 1000 रुपये हैं, या इस चेक की वैल्यू जो है 1000 रुपये है, तो ये मेरा ट्रस्ट है उस बंदे के ऊपर, तो ये प्राइवेट ट्रस्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं, फिड्यूशरी मनी। क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये ट्रस्ट वाला हो गया, इसमें आओ, इसमें भी दो टाइप्स हैं। एक टाइप कि सपोज करो एक कॉइन है जो 10 ग्राम गोल्ड का है। ठीक है, 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू, 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू है 60,000 इन द मार्केट, तो इस एक कॉइन की वैल्यू कितनी होगी, 60,000। अगर 60,000 से कम होगी तो मैं क्या करूंगा, वो कॉइन खरीद लूंगा और इसको मेल्ट करके 60,000 में बेच दूंगा।
तो इस कॉइन की वैल्यू जो है दैट इज मनी वैल्यू, मनी वैल्यू ऑफ कॉइन इज इक्वल टू कॉमोडिटी वैल्यू, कॉमोडिटी वैल्यू, ठीक है। ये हुआ एक इक्वेशन। दूसरा केस जहां पे मनी वैल्यू इज नॉट इक्वल टू कॉमोडिटी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए का कॉइन है इन इंडिया, वो किससे बना है, स्टील आयरन मिक्स करके बना है, वो कितने का, 2 या 3 4 रुपए का होगा, सो उसकी वैल्यू जो है उसकी कॉमोडिटी के इक्विवेलेंट नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट टू कॉमोडिटी वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट केस वाला जो है उसको बोलते हैं हम फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी, और जो सेकंड वाला है इसको बोल देते हैं क्रेडिट मनी। क्लियर है ये कंसेप्ट, फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, ट्रस्ट बेस्ड है, ये जो है कॉमोडिटी की वैल्यू के इक्विवेलेंट है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मनी, फिएट मनी, फिड्यूशरी, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी। फिएट मनी, फिएट मनी रेफर्स टू मनी विच इज इशूड बाई ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। फिड्यूशरी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे, क्लियर। फुल बॉडीड में, फुल बॉडीड में जो है आपका मनी वैल्यू जो होगा, मनी वैल्यू इक्वल टू योर, यहाँ पे मनी वैल्यू इज इक्वल टू कॉमोडिटी वैल्यू, और यहाँ पे मनी वैल्यू जो होगा उससे ज्यादा होगा कॉमोडिटी, क्लियर है, ये क्रेडिट मनी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना दो चीजें हैं, एक चीज क्या है कि कोई एक है जो सप्लाई ऑफ मनी कर रहा है, ठीक है, एक है जो डिमांड कर रहा है, क्लियर। नाउ सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड ऑफ मनी ये तो होगा पब्लिक की साइड से, और यहां पे कोई सप्लायर है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि सप्लाई ऑफ मनी में 3 एंटिटीज आती हैं, इसको याद रख लेना, ठीक है। पहला तो बहुत ही क्लियर होगा, आरबीआई है, प्रिंट करता है, इशू करता है, ठीक है। दूसरा है गवर्नमेंट, 1 रुपी का कॉइन हो गया या जो भी है। तीसरा है कमर्शियल बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल बैंक। अब आप बोलोगे कि सर कमर्शियल बैंक कैसे कर सकता है, SBI HDFC थोड़ी कोई मनी इशू कर रहे हैं, तो उसका एक मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, और ये मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे लेक्चर 5 के अंदर, ठीक है। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 3 एंटिटीज हैं, ठीक है, जो मनी सप्लाई करती हैं और यहां पे डिमांड करती है पब्लिक। तो जब हम सर्कुलेशन ऑफ मनी पढ़ते हैं ना, मनी सप्लाई पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ इस वाली चीज पे फोकस करते हैं, इस वाली चीज को हम काउंट नहीं करते हैं। इनके पास कितना पैसा है, क्या सप्लाई कर रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। हम जब स्टॉक ऑफ द मनी लेते हैं कि इकोनॉमी के अंदर इतना फ्लो है, तो हम सिर्फ ये वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड्स ओनली दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय द पीपल अदर देन द सप्लायर्स ऑफ मनी देमसेल्व्स, क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे सप्लाई ऑफ मनी में जाने से पहले या डिमांड या फिर सर्कुलेशन देखने से पहले मैं आपको 3 या 4 कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, वो अगर आप समझ जाओगे तो आपको ये जो एम नोट, M1, M2, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। पहली बात है, एक कंसेप्ट होता है नेट डिमांड डिपॉजिट और ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। देखो यहाँ पे है SBI, ठीक है, SBI के पास एक बंदा जाता है और अपना डिपॉजिट करवाता है, और यहाँ पे इसको क्या दे रहा है, ये इंटरेस्ट, क्लियर। ये हो गया केस 1, ठीक है। केस 2 देखते हैं, यहाँ पे है HDFC, ठीक है, HDFC के पास भी एक बंदा जा रहा है, डिपॉजिट करवाता है, और यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। यहां तक ठीक था, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट हो रहे थे, हम उसको सप्लाई ऑफ मनी में काउंट कर लेंगे। लेकिन अब SBI के पास ज्यादा कस्टमर है, तो SBI के पास ज्यादा पैसा है, तो HDFC क्या बोलता है,
यार देख, एक दिन रात को दोनों भाई बैठते हैं साथ में, SBI और HDFC, और HDFC बोलता है कि यार एक काम कर, मेरे को 501 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तू मेरे को दे दे। SBI कह देता है कि भाई ले ले डिपॉजिट, और HDFC बोलता है यार मैं तेरे को कुछ इंटरेस्ट दे दूँ। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं इंटरबैंक डिपॉजिट्स, इंटरबैंक डिपॉजिट्स। अगर आप ध्यान से इसको क्लोजली देखोगे, ये जो इंटरबैंक डिपॉजिट है, ये SBI ने कहां से दिया है? इस वाले डिपॉजिट का ही तो हिस्सा था, ठीक है? तो जब हम सप्लाई ऑफ मनी देखते हैं ना, कितना सप्लाई है, तो हम सिर्फ ये वाली चीज काउंट करते हैं, ये वाले इंटरबैंक डिपॉजिट्स हम काउंट नहीं करते हैं। तो ये तो हो गया मेरा डिमांड डिपॉजिट और इंटरबैंक डिपॉजिट, इंटरबैंक डिपॉजिट। और जब मैं इन दोनों को मिला देता हूं, तो मेरा बन जाता है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स। तो मैं जब मनी ऑफ सप्लाई ऑफ मनी देखता हूं, तो मैं ग्रॉस नहीं देखता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ डिमांड पे फोकस करता हूं। यही चीज यहां पे लिखी हुई है, नेट डिमांड डिपॉजिट, ग्रॉस डिमांड एंड नेट डिमांड। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स, क्लेम्स ऑफ वन बैंक अगेंस्ट द अदर। नेट डिमांड डिपॉजिट डू नॉट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स, ठीक है? नोट ऑफ क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ओनली नेट डिपॉजिट्स आर टेकन पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। इस कंसेप्ट में कोई क्लियर है, कोई डाउट है? ठीक है, अब आते हैं दूसरे कंसेप्ट के ऊपर। दूसरा कंसेप्ट क्या है डिपॉजिट्स का? देखो, मैं बैंक के पास गया, मैंने डिपॉजिट करवा दिया डिमांड बेस्ड। डिमांड बेस्ड का मतलब होता है कि मैं SBI के पास कभी भी जाऊं, मैं उसको एक चेक भर के दूंगा, एक फॉर्म भर के दूंगा, यार मेरे 1000 रुपये तेरे पास रखे हैं भाई, मेरे को वापस चाहिए। SBI बोलेगा तेरे पैसे हैं, तू लेके जा, ठीक है? अब लेकिन क्या हुआ, मैं तो हर दिन ये करने लग गया। एक बार मैंने 1 लाख करवाए और डेली जाता हूँ SBI को, 1000 बोलता हूँ, 1000 दे, 2000 दे, 3000 दे। तो SBI वाला क्या करेगा, थोड़ा परेशान हो जाएगा, वो बोलेगा यार ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर तेरे को ज़्यादा अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, तेरे को 6-7% का इंटरेस्ट रेट देता हूँ, लेकिन तू मेरे पास 5 साल के लिए पैसा रख दे, ठीक है? तो ये हो गया टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट्स होते हैं जो मोर देन जनरली 1 ईयर होते हैं, जैसे FD होगी, फिक्स डिपॉजिट। इन पे इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कंपेरेटिवली डिमांड डिपॉजिट से हायर होता है, ठीक है? बट ये 5 साल के लिए फिक्स हो जाते हैं, कि 5 साल तक, 4 साल तक, 3 साल तक आप इनको निकाल नहीं सकते हो, ठीक है? अब क्या हुआ, डिमांड डिपॉजिट्स को फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है? एक हो गया करंट, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एक हो गया सेविंग। करंट में क्या होता है कि आप मन चाहे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप दिन में चाहे 100 ट्रांजेक्शन करो, 150 ट्रांजेक्शन करो, जैसे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिनका 1000 करोड़, 500 करोड़ टर्न ओवर है, तो उनके लिए होता है करंट अकाउंट, ठीक है? करंट डिपॉजिट्स बोलते हैं। सेविंग डिपॉजिट्स जो नॉर्मली आम आदमी के लिए होता है, जैसे सैलरी अकाउंट हो गया या फिर हमारा जो बैंक अकाउंट होता है, उनको सेविंग डिपॉजिट्स बोलते हैं। क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब एक कंसेप्ट आता है तीसरा, लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी क्या कहता है, लिक्विडिटी कुछ नहीं है, लिक्विडिटी ये है कि आपका जो एसेट है, एसेट क्या है मेरा, डिपॉजिट है या कोई मशीनरी है, वो कितना जल्दी मनी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? कितना इजीली मनी में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लिक्विडिटी। नाउ लिक्विडिटी हाई है, इसका मतलब फास्ट कन्वर्जन हो रहा है, और अगर लिक्विडिटी लो है तो मतलब स्लो कन्वर्जन हो रहा है। अब मैं इसी का एक एग्जांपल लेता हूं डिपॉजिट्स का। जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो मेरी डिमांड पे कन्वर्ट हो रहे हैं, टर्म डिपॉजिट्स जो हैं वो 5 साल, 3 साल, 2 साल, उनका फिक्स पीरियड है, तो मेरे डिमांड डिपॉजिट्स क्या होंगे, मोर लिक्विड होंगे कंपेयर टू टर्म डिपॉजिट्स। क्लियर है लिक्विडिटी का कंसेप्ट? अब देखो, सप्लाई ऑफ मनी मेजर करने से पहले इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, नैरो मनी। नैरो मनी में हम वो लेते हैं जो लिक्विड पार्ट है मनी का, ठीक है? जनरली लिक्विडिटी हायर होती है नैरो मनी की। और ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी में क्या होगा, लिक्विडिटी कंपेरेटिवली लो होगी, ठीक है? क्लियर है नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। अब देखो,
चार कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, नेट डिमांड डिपॉजिट, ग्रोस डिमांड डिपॉजिट, लिक्विडिटी, नैरो मनी, ब्रॉड मनी एंड डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। ठीक है, हु सप्लाइज मनी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो मेरे पास मनी है, उसका क्या क्या कर सकता हूं मैं, तो ब्रॉडली उसको तीन हेड्स में डिवाइड करते हैं। नंबर एक, या तो मनी जो है सर्कुलेशन में है, सर्कुलेशन मतलब लोगों ने होल्ड बाय द पीपल, जैसे अपने घर पे कैश रखा है, क्लियर, यही पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि मैंने बैंक के पास रख दिया। ठीक है, अब बैंक के पास भी क्या हो सकता है, या तो मेरा डिमांड डिपॉजिट हो सकता है, क्लियर, या फिर मेरा टर्म डिपॉजिट हो सकता है, क्लियर। तीसरा क्या हो सकता है, अब बैंक के अलावा भी तो कुछ इंस्टीट्यूशंस है ना जो डिमांड डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, जैसे मान लो ये है पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, इसके पास भी दो चीजें होंगी, डिमांड डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स, क्लियर। तो जो मेरा सर्कुलेशन में है फ्री होल्ड है, इसको हम बोलते हैं मॉनेटरी बेस, इसमें आ जाएगा, इसको बोलते हैं एम नोट, क्लियर है। अब क्या होता है कि जब हम लिक्विडिटी देखते हैं, नैरो मनी क्या होता है, जिसकी लिक्विडिटी ज्यादा हो, तो सर्कुलेशन है ये तो है ही मनी, इसकी तो लिक्विडिटी हायर है ही है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स लेता हूं मैं बैंक वाले, तो जब मैं इस हेड को और इतने हेड को कंबाइन कर दूंगा, इतने पार्ट को, तो ये बन जाता है मेरा M1, क्लियर। तो M1 क्या है, मेरा करेंसी नोट और कॉइन्स, ये हो गया मेरा सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, क्लियर, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब फिर एक बंदा आता है कि यार एक काम करते हैं, यार कुछ थोड़ा डीपली जाके देखते हैं, तो हम क्यों ना पोस्ट ऑफिस के भी डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड कर लें। ठीक है, तो अगर मैं इस पार्ट में M1 में ये वाला पार्ट और ऐड कर दूं, ठीक है, ये वाला पार्ट और ऐड कर दूं, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, तो ये मेरा जो बनेगा ये हो गया मेरा M2। ठीक है, M2 में क्या हुआ, करेंसी नोट, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ये तो ऑलरेडी लिक्विड था, डिमांड डिपॉजिट्स भी लिक्विड है, डिमांड डिपॉजिट्स भी लिक्विड है, तो इसमें सिर्फ हमने लिक्विड एसेट्स काउंट किए, तो ये है M1 एंड M2, इसको बोलते हैं हम नैरो मनी, क्लियर। अब आते हैं, अब हमने क्या किया कि एक बंदा आया, बोलता है यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, इसमें ना आप टर्म डिपॉजिट भी इंक्लूड करो, सिर्फ बैंक का, ठीक है, तो मेरा जो ये वाला पार्ट है, इतने वाला पार्ट, ये मेरा M1 है, ठीक है, इसमें मैंने ये टर्म डिपॉजिट और इंक्लूड कर दिया, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है मेरा, ये बन गया मेरा M3। अब मैंने कम लिक्विडिटी वाले एसेट्स ऐड कर दिए, तो इसको बोलते हैं हम लेस लिक्विड है ये, ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा एसेट्स आ गए हैं, ठीक है, लेकिन ये लेस लिक्विडिटी है, करेंसी नोट, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक एंड टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक। M3 में बस ये एक चीज ध्यान रखना कि विद बैंक्स वाले हैं, पोस्ट ऑफिस का कुछ भी इंक्लूड नहीं होता है, क्लियर है। अब देखो, अब M4 है, तो भाई उसने बोला यार पोस्ट ऑफिस को क्यों छोड़ते हो, पोस्ट ऑफिस का भी सब इंक्लूड कर लो, तो यहां पे जब हम इन सबको कंबाइन कर देंगे, ठीक है, तो ये तो सारा ही सब कुछ इंक्लूड हो गया, तो ये पूरा ब्रॉड मनी हो गया, ठीक है, और इसको बोलते हैं M4। यहां पे करेंसी नोट, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक, ठीक है, एंड ऑल डिपॉजिट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस, क्लियर, इसमें कोई डाउट? एम नोट, M1, M2, M3, M4। यहां पे प्रैक्टिस के लिए मैंने टेबल दे दी है, M1 है तो सिर्फ दो चीजें काउंट करेंगे इसमें, ठीक है, अगर M2 है तो उसमें उसके भी डिमांड डिपॉजिट्स ले लेंगे पोस्ट ऑफिस के, M3 में सिर्फ बैंक्स के सारे डिपॉजिट्स होते हैं, टाइम डिपॉजिट ले लिए, M4 में सारे, कंसेप्ट है, क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपकी डेफिनेशन के लिए ये M1, M2, M3 ये आपको दे भी दिया है। ठीक है, M नोट होता है
लिमिटेड टू बैंक नोट्स एंड कॉइन्स जो पब्लिक सर्कुलेशन में है उसको एम नोट बोलते हैं। ये डेफिनेशंस भी आपको दे दी है। एम थ्री जो है एम वन प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, ठीक है। एम थ्री का ये ध्यान रखना, जब हमें एग्रीगेट डिमांड मेंशन मेजर करनी होती है तो एम थ्री से मेजर करते हैं, ये एक फैक्ट है, ये आप याद रख लेना, मैंने यहाँ पे दे दिया है। क्लियर है? नैरो मनी ब्रॉड मनी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक बैंक मनी और हाई पावर्ड मनी का कंसेप्ट आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे SBI है, SBI के पास एक बंदा गया, उसने यहाँ पे डिपॉजिट्स करवाए। अब SBI क्या करेगा, या तो अपने पास रख ले वॉल्ट कैश, या फिर इसको RBI के पास दे दे कि भाई मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, मेरे पास तो आइडल पड़ा है, तो RBI के पास दे दो। जब मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को देख रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया बैंक मनी, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स का। और जब मैं इस पूरे पार्ट को देख रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया मेरा हाई पावर्ड मनी टोटल, ठीक है। तो ये ही उसने बताया, बैंक मनी और हाई पावर्ड मनी में करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एंड कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विद द RBI, ठीक है, रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। अब देखो इशू तो हमने देख लिया, तीन लोग इशू करते हैं, RBI, कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन बेसिस क्या है उसका, व्हाट इज द बेसिस। बेसिस क्या है कि सपोज करो 100 करोड़ जो है सर्कुलेशन में है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि इसकी बैकिंग करेगी, बैकिंग मतलब इसका कुछ अंडरलाइंग एसेट्स रखेगी। तो वो क्या करती है ना, कुछ जैसे गोल्ड हो गया, या फिर जैसे डायमंड हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल डॉलर है जो स्टेबल करेंसी है, बट जनरली गोल्ड होता है, ठीक है। गोल्ड में क्या करेंगे ये कि भाई 100 करोड़ है, तो सपोज इसको 10% है, तो 10 करोड़ का हम गोल्ड रख लेंगे, इन केस कि अगर कल करेंसी इतनी डिवैल्यू हो जाती है तो हमारे पास कुछ तो है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि 100 करोड़ है तो 100 करोड़ का ही गोल्ड रखो, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम इसको बोलते हैं, जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन कितना होना चाहिए। और ये क्यों डिसाइड करना जरूरी है, भाई 100 करोड़ है, मैं 1000 करोड़ प्रिंट करके दे दूं लोगों को, तो उससे क्या होगा, उससे पता क्या होगा, उससे क्या होगा ना, दादाजी आज जा रहे हैं दुकान पे 100 रुपये लेके, कल 1000 रुपये लेके जाएंगे, उसके मुंह पे मारेंगे कि यार एक काम कर, जो 10 रुपये का बिस्कुट लेना है यार, मेरे को 100 रुपये का दे दे, तो उसका प्राइस जो है ना 10 से 100 हो जाएगा। अब हर कोई तो 100 में नहीं खरीद पाएगा, तो उससे ना पूरा डिसबैलेंस हो गया कि जो आपकी वैल्यू है मनी की वो रिड्यूस हो जाती है। ये हम इन्फ्लेशन वाले पार्ट में देखेंगे। तो ये रेगुलेशन सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। द एंटायर करेंसी इशूड हैज द बैकिंग ऑफ मिनिमम गोल्ड रिजर्व। मिनिमम पे ध्यान देखना, टू पॉइंट्स मस्ट बी नोटेड, गोल्ड रिजर्व आर जस्ट मिनिमम रिजर्व, दीज आर नॉट प्रोपोर्शनेट टू द करेंसी इन सर्कुलेशन। जो मैंने बताया ना आपको कि 100 करोड़ है तो जरूरी नहीं कि 100 करोड़ का ही गोल्ड रखेंगे, ठीक है। मनी विद द पीपल इज एंटायरली क्रेडिट मनी। ये कैसे कन्वर्ट होता है, वो क्रेडिट कमर्शियल बैंक्स का जो सिस्टम होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में हम मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन वाला देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये जो PDF है आपको वी असिस्ट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास जो है वो बैंकिंग के ऊपर होगी, रेपो रेट, SLR एक्सेट्रा, उस चीज़ में हम क्रेडिट क्रिएशन का भी देखेंगे। एंड मैं कोशिश करूंगा कि अगले 5-7 लेक्चर में बेसिक्स कवर हो जाएं ताकि हम एडवांस की तरफ मूव कर पाएं। एडवांस में मैं ऑलमोस्ट 300 टर्म्स एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करूंगा विद फर्दर MCQs एंड करंट अफेयर्स फॉर टारगेट 2024। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।